एस, दोनों में मेथड सेम है कि चाहे आप कोसाइन ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन कर लीजिए या इनवर्स साइन ट्रांसफॉर्म का कर लीजिए, रहेंगे दोनों सेम ही। तो देखो ये हमने नॉर्मल फॉर्मूला लिखा है जो आपका कोसाइन ट्रांसफॉर्म का होता था, एफ सी एफ एक्स एफ सी पी इज इक्वल टू लिमिट क्या है आपकी जीरो टू इन्फिनिटी एफ एक्स कॉस पी एक्स डी एक्स, ये कौन सा फॉर्मूला है, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। अब आपको क्या लिखना है, इनवर्स फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो यहीं से आपका इनवर्स में क्वेश्चन हो जाएगा, ये जो एफ सी है इसे हम इनवर्स में इस तरफ ले आएंगे तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एफ सी इनवर्स, मतलब एफ इनवर्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ सी पी इज इक्वल टू क्या होगा। अब इसमें आपका देखो जहां पे एफ एक्स है एफ एक्स किसके बराबर रहता है एफ सी पी, फिर क्या हो जाएगा एफ सी पी कॉस पी एक्स, तो डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा डी पी, लिमिट जीरो टू इन्फिनिटी रहेगी और साथ में क्या रहेगा टू अपॉन फाइव। अब देखो आपका क्वेश्चन है फाइंड एफ एक्स इफ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, आपको कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी है इसका आपको क्या निकालना है, जब इनवर्स निकालोगे तब आपको क्या निकलेगा एफ एक्स। इसमें आपके दो फंक्शन है, एक लिमिट है आपकी जीरो टू टू ए और जीरो टू इन्फिनिटी, तो जीरो टू टू ए में जो आपका फंक्शन है वो है आपका जीरो से टू ए, टू ए पे क्या है वन अपॉन टू बाई ए अपॉन एस माइनस बाई टू और जीरो टू इन्फिनिटी पे क्या है जीरो। तो आपको सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखोगे कोसाइन का, एफ एक्स बराबर हमारा क्या होता है एफ एक्स बराबर एफ सी इनवर्स एफ सी पी टू अपॉन फाइव जीरो टू इन्फिनिटी एफ सी पी कॉस। अब देखो इधर आपका पी की जगह क्या दिया है क्वेश्चन में एस, तो पी की जगह हम लोग क्या लिख देंगे एस 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 और डी एस, ये आपका फॉर्मूला है। अब देखो फंक्शन आपका कितने उसमें है, दो पार्ट में ब्रेक है जीरो टू टू ए और टू ए टू इन्फिनिटी, तो उसको क्या हो जाएगा आपका जीरो। दो पार्ट कैसे हम लोग ब्रेक करेंगे तो क्या होगा टू अपॉन फाइव जीरो टू टू ए एफ सी पी कॉस एफ सी एस कॉस एस एक्स डी एक्स प्लस टू ए इन्फिनिटी और साथ में क्या है आपका टू अपॉन फाइव, टू अपॉन फाइव बाहर है तो मैं बड़ा पैकेट लगा के लिख दिया एक्स सी
हमने क्या रख दी वैल्यू। अभी सिर्फ हमने वैल्यू रख दिया, देखो ये वाला फॉर्म टू से टू कट जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा फॉर्म पाई स्क्वायर। अभी वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं प्रथम फलन युक्ति का क्या समाकलन cos x का क्या होगा sin s x अपॉन क्या है एनर्जी x माइनस प्रथम का अवकलन s का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा वन बना जाएगा तो क्या होगा माइनस का वन बाई टू और युक्ति का क्या समाकलन का भी समाकलन लिमिट क्या रहेगी जीरो टू ए डी एस ये हो गया। इसमें आपकी लिमिट क्या है इसमें आपको लिमिट की वैल्यू पुट करनी है जीरो टू ठीक है। अब ये वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे इतना पहले आप नोट कर लेंगे ठीक है। देखो इतना हो गया है अब हम इसे लिमिट पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा वन अपॉन पाई स्क्वायर। जीरो की वैल्यू पुट करेंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है और साइन नाइनटी की वैल्यू क्या होती है वन। तो कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है और साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। अगर आप ये वाली लिमिट में टू ए रख रहे हैं ये सारे देखो ये क्या है a माइनस एस बाई टू है एस की जगह हमने क्या रखा टू ए लास्ट आगे हम लेंगे टू ए माइनस टू ए जीरो हो जाएगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा जीरो। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस प्लस का वन बाई टू साइन एस एक्स का क्या हो जाएगा माइनस का इंटीग्रल में सॉल्व करते हो वैसे आपको सॉल्व करते हो नोट कर लीजिए इसे।